बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हरासमेंट करने का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष खुद ही मानहानि के केस में फंस गई है। जी हां, एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने पायल घोष समेत कुछ अन्य एक्टर्स पर 1.1 करोड़ का मानहानि केस दर्ज किया है। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित करते हुए सुनवाई को 7 अक्टूबर की तारीख दी है। कोर्ट के मुताबिक जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है उन्हें नोटिस दिया गया था, इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश होने को एक दिन का समय दिया गया है। आपको बता दें कि पायल घोष ने जब अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया तब उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो अनुराग के साथ काम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पायल ने उन एक्ट्रेसेस में ऋचा चड्ढा, माही गिल और हुमा कुरैशी का नाम लिया था। पायल के इस बयान पर ऋचा ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। इस केस की सुनवाई मंगलवार को हुई जहां दूसरे पक्ष से कोई भी नहीं आया। केस को एक दिन और बढ़ाते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने इसे 7 अक्टूबर तक टाल दिया है। कोर्ट का कहना है कि जवाबकर्ताओं को नोटिस नहीं भेजा गया था, इसलिए उन्हें दोबारा नोटिस भेजा जाएगा। ऋचा ने पहले भी बयान जारी किया था। पायल के इंटरव्यू के बाद ऋचा के वकील ने एक्ट्रेस का स्टेटमेंट रिलीज किया था। इसके मुताबिक ऋचा ने थर्ड पार्टी द्वारा उजागर किए गए विवाद और आरोप में उनके नाम को गलत और झूठे तरीके से घसीटने की निंदा की थी। ऋचा का मानना है कि किसी महिला के साथ अगर सच में कुछ गलत हुआ है तो उन्हें हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। कार्य क्षेत्र में महिलाओं को भी बराबर का दर्जा मिला है और वहां उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आए, ये भी ध्यान रखा जाए। अब ये सुनवाई कल होगी। आपको बता दें कि पायल घोष इस वक्त दिल्ली में है। उन्हें मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW के सामने पेश होना है। अभिनेत्री के साथ उनके वकील नितिन सतपुते भी है। आपको बता दें कि NCW के सामने दो मामले हैं। एक मामला पायल घोष द्वारा दायर किया गया है जबकि दूसरा ऋचा चड्ढा द्वारा दायर किया गया है। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।